सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान कभी मुसीबतों से नहीं हारता, वो उस समय हार जाता है जब मुसीबत में अपने साथ छोड़ जाते हैं। कोई भी वस्तु ईश्वर से अधिक मूल्यवान नहीं, इसलिए सभी चीजों की चिंता छोड़कर परमात्मा को याद करने की चिंता करें। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है, बहुत सुंदर जवाब, जो अपनों के बिना बीती वो उम्र और जो अपनों के साथ बीती वो जिंदगी। आज का पंचांग 1 जून 2020, दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 2:55 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 1:03 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:18 से 8:58 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:51 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 1 जून 2020, दिन सोमवार। अभी आप आसपास से भी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपके प्रयासों को नोटिस किया जा रहा है। अपने द्वारा अर्जित की गई भौतिक सफलता का आनंद लें। आपके नेतृत्व के गुणों ने आसपास के लोगों को प्रभावित किया है। अश्रोमैंटिक भावनाएं आपके दिन को बहुत खास बनाने वाली है। प्यार के इजहार करने के लिए आज का दिन शुभ है। आपने अंदर ऊर्जा महसूस करेंगे जो आपको प्रेरित करेगी। अपने मनोरंजन का भी ध्यान रखें। सफलता तक पहुंचने का कोई छोटा रास्ता नहीं है, सफल होने के लिए आपको सभी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। यह समय है उन चीजों का मूल्यांकन करने का जिन्होंने आपको बनाया है। आपने मैत्रीपूर्ण और अच्छे गुणों और अपनी पेशेवर जीवन शैली में टीम वर्क की क्षमता को बनाए रखें। अपने दोस्तों और परिवार के समर्थन के साथ आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज का दिन आप अपनी छवि को बेहतर बनाए और कुछ नई ख्याति अर्जित करने की योजना पर काम करेंगे। आपको अपने काम करने के तरीकों के लिए वरिष्ठों से काफी प्रशंसा मिल सकती है। आज आप अपने काम और रिश्तों के प्रति समर्पण दिखाना होगा, इससे आपको भविष्य में काफी सहायता मिलेगी। लोगों को उनके विचार प्रकट करने से ना रोकें, सभी के विचारों को जानने या समझने की कोशिश करें। सावधानियां, अपने जज्बात पर काबू रखें और ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना काम ना करें जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। विचारों के होने का इंतजार मत कीजिए, बाहर निकले और नए कामों की तलाश करें। यात्रा करना फायदेमंद लेकिन महंगा साबित होगा। लव लाइफ की बात करें तो यह समय इश्क के लिए बेहतरीन नहीं है। प्रेम जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। बहुत से अधिकारी आपसे प्रभावित हैं और जल्द ही आपका भाग्य पलटने वाला है। किसी भी तरफ आकर्षण महसूस कर रहे हैं तो इजहार करने में देरी ना करें, अन्यथा पछताना पड़ सकता है। आपका जीवन रोमांस से लबालब है और आज अपने प्यार का इजहार करने के लिए उपयुक्त दिन है। पेशेवर मामलों को छोड़कर भावुकता आपके लिए प्रथम पायदान पर होगी। करियर की बात करें तो आर्थिक निर्णय लेने और अपने सहकर्मियों से जुड़ने के लिए यह समय उचित है। मेहनत करते रहें और परिणाम की परवाह न करें, यही आज का मंत्र है। आप आज रोमांटिक महसूस कर सकते हैं और अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। आर्थिक और अन्य पेशेवर मामले इस समय आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप खुद को उदासीनता से दूर करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। जीवन में जितने अधिक हो सके
उतने संपर्क बनाएं। सेहत की बात करे तो अच्छा, आपको सड़क दुर्घटनाओं से बचकर रहना होगा, और अगर आप मोटरसाइकिल चालक हैं तो बेहद सावधानी की जरूरत है, वाहन सावधानी से चलाएं। अगर आप समझदार हैं तो सड़क दुर्घटना होने से बच सकते हैं, और ये आप पर निर्भर करता है। आज का उपाय, आज आप तांबे के लोटे में पानी लेकर तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।